Welcome to the Wise Words series. इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एक दफ़ा मिलती हैं, उनमें से एक है हमारे अबाजान। आपके अबूजान एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो आपको एक दफ़ा मिलेंगे और आप उनको एक दफ़ा खोएंगे, लेकिन जब वो जाएंगे ना, फिर आपको उनकी कदर आएगी। आज हम ऐसे ज़माने में रहते हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारे अबू जान कौन है, उनकी क्या अहमियत है, वो ज़िंदगी में है भी कि नहीं है, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। सुबह उठते हैं तो हम नहीं देखते कि आसपास हमारे अब्बू जान हैं नहीं हैं, जॉब पे गए हैं किधर हैं, हमें नहीं पता। उनको उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिर्फ क्या है हमें, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर। हमें कोई कुछ बोले नहीं, हम अपनी तरीके से काम करेंगे, ये हमारी ज़िंदगी है। हम बस उन्हें उस वक्त जानते हैं, याद करते हैं जब हमें कुछ ज़रूरत होती है, पैसे चाहिए होते हैं, कपड़े चाहिए होते हैं, शॉपिंग करनी होती है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। भूल चुके हैं हमारे अबू जान को, लेकिन वो नहीं कभी भूलते हमें। वो इंसान है जो हमारे लिए दिन रात एक करके काम करके मेहनत करके खाना टेबल पर रखते हैं, हमारे लिए शॉपिंग कराने के लिए हमें ले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? छुट्टी का मौसम होता है तो जाते हैं घूमने फिरने के लिए हमारे दोस्तों के साथ, कभी नहीं सोचते कि आज हमारे अब्बू जान को भी बोलें चलें बाहर निकलें साथ घूमने जाते हैं, नहीं करते हैं। हम कुछ भी नहीं मांगते वो हमसे, हमको नहीं कहते कि ये करो वो करो, वो बस चाहते कि हम अच्छे हो जाएं, अच्छे बने, उनके साथ बैठें कम से कम कुछ टाइम, शाम गुजारें उनके साथ, बाहर घूमें नहीं दोस्तों के साथ, वक्त ज़ाया ना करें इधर उधर, बस इतना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं वो भी नहीं। जब हमारे अब्बू जान हमें कुछ कहेंगे कि ये बेटा ठीक नहीं है या बेटी ये ठीक नहीं है, तो हम उनको जवाब देते हैं कि आप क्या जानते हैं दुनिया क्या होती है, आप ओल्ड स्कूल हैं, हमें पता है दुनिया क्या है, इस ज़माने में आप नहीं रहते हैं, हम इस ज़माने में रहते हैं, आप वो पुराने ज़माने के बंदे हैं, फ्यूचर हमें पता है आपको क्या पता है। ये आजकल की हमारी बातें हमारे माँ बाप के साथ, स्पेशली बाप के साथ। बाप का प्यार हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो बाप का प्यार है वो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी और शख्स आदमी वो प्यार के बराबर में नहीं आ सकता है। हमें लगता है बाप हमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन वो प्यार उसका छुपा हुआ है, वो जो करता है हमारे लिए सुबह शाम, वो सब एक एक निशानी है उसके प्यार की, लेकिन हमें नहीं दिखती है, हम इग्नोर करते हैं। हमें बस कब याद आती है हमारे बाप की? जब वो हमें कोई ज़रूरत होती है, कोई पैसे की ज़रूरत, किधर फंस जाते हैं, वरना बाद में कौन हमारा अब्बू जान कौन है कोई नहीं जानते। हम ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं, वो कॉल करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा कि वो डिस्टर्ब कर दिया हमें, हम बिज़ी हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दो बातें सुनाएंगे उनको कि हमारे दोस्तों के साथ हमें डिस्टर्ब ना करो। ये आजकल की हमारी हालत है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? ओल्ड एज होम में जा कर फेंक के आते हैं, कहते हैं तुम्हारी जगह उधर है, वहाँ जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। कितनी शर्म की बात है। आज ऐसा दिन आ गया कि हमारे घर इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें एक कमरा नहीं है हमारे माँ बाप को रखने के लिए। वो वक्त भूल चुके हैं कि हम छोटे होते थे और हमें एक कमरे के अंदर वो सब रखते थे हमें। ऐसे ऐसे दौर से उन्होंने गुजर के हमें बड़ा किया है, लेकिन हम सब भूल चुके हैं वो सब। हमें याद ही नहीं है कि हम कौन थे, अब क्या हो चुके हैं, ज़माने ने हमें बदल दिया या हम ज़माने को देख के बदल गए, क्या बोल सकते हैं।
लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जब वो नहीं होंगे ना, फिर पता चलेगा कि हमने क्या खोया है, क्या मिस किया है, क्या 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 जिंदगी में हमें जो चाहिए वो नहीं है। अब वो वक्त आएगा जब हमें अक्ल आएगी कि ओ काश आज मेरे बाप मेरे साथ होते, मेरे अब्बू जान होते, लेकिन वो टू लेट हो जाएगा। जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जब छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो हम उनको सुनाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। हम भूल जाते हैं कि हम जब छोटे थे तो हम भी 100 गलतियाँ करते थे, लेकिन वो हमें डांटते नहीं थे, बोलते थे कि हाँ नो प्रॉब्लम बच्चे हैं, हमें बार बार सिखाते थे ये है वो है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक गलती दो गलती दो बातें करती तो उनको हम सुनाने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं था, अभी तो कहा था मैंने ऐसा करो। ये आजकल की हमारी तरबियत नहीं, हमारा बर्ताव बन चुका है। माँ बाप कभी भी बुरी तरबियत नहीं सिखाते, जो कहते हैं ना माँ बाप ने हमें बुरा बनाया, वो नहीं, वो गलत है। हम ही गलत और सही जानते हैं और हमें ही पता है गलत क्या है सही क्या, हम ही उस पर चलने की चलते हैं और कोशिश करते हैं, जो भी चलना है जो सही बनता है बुरा बनता है। लेकिन हमें पता चलेगा जब वो चले जाएंगे ना यहाँ से, फिर हमें दिमाग आएगा, पता चलेगा, अक्ल आएगी कि हमने क्या कर दिया, किनको खो दिया हमने उनको खो दिया जो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। फिर पछताएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर हम बहुत दुख करेंगे, फिर कोई नतीजा नहीं होगा। अब वक्त है, अब कुछ कर सकते हो, अब करना चाहिए। जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, बाप जिनके जिंदा हैं स्पेशली, जाओ उनके पास आज, गले लगो, माथे पे चुम्मी दो और कहो मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो देखना उनका दिन कितना खुश हो जाएगा, इससे पहले कि वो टू लेट हो जाए।